हेलो गाइस मैं हूं हूं मैं मैं आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन YouTube चैनल वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों कंटेंट अच्छा ताड़ साहब औरकम चम साहब की कन्वर्सेशन हो रही है वीडियो थोड़ी सी लेंथ ही है सब्र से बैठना पड़ेगा और जैसा कि अक्सर मैं कहता हूं तो भाई सारे पॉइंट्स नहीं याद रहते हैं कुछ रह जाए स्किप स्किप भी कर जाए तो ऑलरेडी सॉरी देखते हैं पहले वीडियो जी हेलो दोस्तों मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है सऊदी अरब पहुंच गए हैं दो चीजें हैं एक तो ये पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी की डायरेक्शन बताता है कि शुरू से ही जब भी वो वजी अजम आते हैं तो वो पहला दौरा सऊदी अरब का करते हैं और क्योंकि रमजान है उम्र भी करेंगे और सुना मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी करेंगे लेकिन तार साहब सुनने में आया है कि अब सऊदीज़ और अमारातीज़ और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने अब आप हमारे पास कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे उस प्रोजेक्ट के पैसे देंगे दूसरा ताट साहब वो राजनाथ सिंह साहब की स्टेटमेंट पाकिस्तान में बड़ी चल रही है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजासफ़ ने भी स्टेटमेंट दी है और पाकिस्तान का यहाँ पे बात हो रही है ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये इलेक्शन से पहले बढ़ के मार रहे हैं और ताट साहब वजीरजम पाकिस्तान ने जो ब्यूरोट हैं

सऊदी so, अरेबिया uh, जाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो भी वहीं जाते हैं उसकी वजुहत भी यही है एक तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो वहां uh, वहां लेबर है uh, दूसरा uh, पैसे ना मिले कैश तो उनको कह देते हैं चले कुल देखिए फिर उसके बाद ये है कि आपको पता है पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल रिलेशनशिप है उनके साथ उनके सिक्योरिटी एग्रीमेंट के एस के साथ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया लेकिन उसमें साहब अब दौर चेंज होता जा रहा है आपने देखा है जिस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ क्योंकि वो भारत को उबरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं उसको उनके डायस्पोरा की उनके टेक्नोक्रेसी की वो और उनके एजुकेशनल स्किल और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है तो वो पूरा सर्कमस्टांसिस चेंज हो चुका है और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले कार्ड खेले हैं उन्होंने उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया यू को जो आपके जो आप जिनसे पैसे मांग मांग कर चल रहे हैं ना अब वो कश्मीर उन्होंने बड़े सेफ कार्ड खेले हैं उन्होंने आपका जो देखा जाए और दूसरा आप आ, आपको याद होगा शायद कि वो जो पैसे आपके रिजर्व बैंक में रखे हो कई दफा आपको धमकी भी दे चुका सऊदी अरेबिया के हमने पैसे वापस ले लेते तो आपके रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ वन वे रिलेशनशिप है टू वे रिलेशनशिप नहीं है आपके उनके साथ आप पैसे मांगने जाते हैं जिस तरह जो वजीर आजम गए हैं वो आपको पता इन्हीं की स्टेटमेंट थी कि मेरा फोन भी कोई नहीं उठाता क्योंकि उन्हें पता होता है कि पैसे मांग रहे हां ये भी ये खबर सुनी है कि इनके साथ कैबिनेट सारी गई है ये भी सुना है कि कैबिनेट के लोग भी गए हैं जाना चाहिए कि सरकारी जहाज जो है क्या फर्क खड़े क्या तेल पानी चेंज कराओ जाओ इतना तेल है आपके पास इतना पैसा है क्या फर्क पड़ा आठ बिलियन डॉलर आ रहा है आई एम एफ से क्या फर्क पड़ता है मैं तो क... हो सकता लंदन चले जाए वापसी पे जिस तरह डार साहब एक दफा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं फिर लंदन आ जाते हैं लंदन से फिर उधर चले जाते जापान जाए रस्ते से लंदन रोक के बच्चों को मिल लेते हैं दोस्तों से मिल लेते हैं प्रॉपर्टी भी तो देखनी होती है ना वो किराए आ रहे हैं नहीं आ रहे तो क्या पता पीएम साहब वहां से आपको शायद जो मेरी इंफॉर्मेशन ये थी रोजे के ऊपर सारी फैमिली श्री फैमिली जाएगी वहां सरकारी खर्चे पर सताइसवें रोजा वहां शॉपिंग वापि करेंगे घूमे फिरेंगे और वहां से बड़े मियाँ साहब लंदन चले जाएंगे जो 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 उनका अपना लेकिन चीमा साहब इस वक्त जो आपके चल रहे हैं इंतहाई अजीब किस्म के हैं वो जो मैंडेट वाले मुर्शिद हैं उनकी पार्टी के अंदर भी इस वक्त इंतजार है कल कल उनके एक अफरीदी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है क्योंकि वो भी डिवाइडेड हो चुके हैं कई लोग जो पैराशूट के जरिए आए हैं तीन तीन चार चार महीने पहले वो पीटीआई में आज वो एमएनए हैं लतीफ खोसा साहब को आप देख लें और कई इस तरह के हैं वकील जो जिनको कोई जानता ही कोई नहीं था अपने मोहल्ले कचहरी कोई बंदा जानता नाउ दे आर ह्यूज लीडर्स तो आफरीदी uh, साहब ने बड़ा गुस्से का इजहार किया है फिर गौर साहब के साथ मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां पे बड़ी चीजें हैं और दूसरा मुर्शद साहब ने जो कल फिर दोबारा आर्मी चीफ के ऊपर अटैक किया है फिर दोबारा मुंह सर बन रहा है नौ मई जैसे किसी वाक्य का क्योंकि पहले मुर्शद ने पांच जलसे पांच जलसों की इन्वेस्टमेंट की थी नौ मई के ऊपर पांच जलसों के अंदर एक तो एंटी अमेरिका साइफर लहराते रहे थे फिर मीर जाफर मीर साधक फिर वो करते रहे फिर आज भी उन्होंने नौ मई को अपने आप को उन्होंने शेख मुजीब से मिला लिया उन्होंने कहा है कि मिर्सा शेख मुजीब जैसा शुरू किया जा रहा है लंदन प्लान मुझे एक एक चीज का पता है इन्होंने जिस जिस बंदे से जाके घड़ी की कीमतें लगवाते रहे हैं दुबई के अंदर मुझे सारा पता है आज उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से अटैक किया मुर्शद ने और इसमें मुर्शद का कोई कसूर नहीं कसूर तो आर्मी चीफ का है इसमें मैं बिल्कुल ये आपको बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ साहब पता नहीं क्या बात है या सीरियस नहीं है या फिर उनका उनको कंट्रोल नहीं है या क्या है लेकिन दिस इज नॉट हाउ यू रन द कंट्री और जब आपका दूसरी तरफ से अपोनेंट आपको बार बार आपका नाम लेकर चैलेंज करे दिस इज मैं कहता तो एटलीस्ट जेल को जेल बनाए प्लीज अलग पॉसिबल है तो नहीं तो उनको घर भेज दें बनी गाला उनको वो बनी खाला जैसा उनके पास सारे सहूलियात मौजूद है डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है डेली दरबार होता है वकीलों का लतीफे मरसी और घर के पके खाने देसी घी के तो ये बनी गाला इनको भेज दें आप सरेंडर कर दें आप ਕਾਫਰਪੜਤਾ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਯੂ ਆਰ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਪੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਸੱਟੋ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਹ ਲੈ ਹਣ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਲੈ ਹਣ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉੱਤ ਅੱਛਾ ਉਸਮੈਂ जो तश्शनाक चीजें आ रही है ये तो पाकिस्तान के हालात तो चीमा साहब मुझे मैं जिस तरह हमेशा आपको कहता हूं कि हम जख्मी लोग जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हम ज्यादा जख्मी हैं क्योंकि हमें यहां बैठ के दूसरे बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं कि आपका रिवर्स गेयर आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है और दूसरा आप इम्यून हो चुके हैं थप्पड़ों के साथ मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है आप कहते यार उन्हें तो तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार मैं मुझे मैं इसका बताना चाहूंगा पाकिस्तान एक दफा मैं गया जब दहशत गर्दी थी हर चौक के अंदर बम फट रहे थे लेकिन लोग खुश थे किसी को परवाह नहीं थी अब आपके साथ मेरा मतलब ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है जिस तरीके से करप्शन है पूरा सिस्टम इज क्रैश्ड मोरालिटी नाम की चीज नहीं है आपको नहीं पता चलता आप मैं आप छोटी सी मैं आप आगे चल के बल्कि जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया चले गए ब्यूरोक्रेसी को खुश करके तो मैं बताऊंगा कल का मैं बड़ा कल से मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं मैं मिले मिले नामेक्स जो अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर है ने, मिले हावियर मिले मैं उनके उनका आप कंपैरिजन बताऊंगा कि अब साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी अब आपसे आगे जा रहे हैं मैं आपके जो बाबू है खासकर ये जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के ये जो जूनियर हमारे ब्रिटिश एजेंट हैं मैं उनको बल्कि खिताब करके कहूंगा कि उनको मिल की कोई अगर कोशिश करें पढ़ लें कि वो अर्जेंटीना को क्राइसिस से से किस तरह निकाल रहे हैं क्योंकि ये हमारे के पे ग्रेड ज्यादा बल्कि इस वक्त आपकी मैंने पीटीआई को बताया कि उन्होंने फरमाया किसी के बाप की पार्टी नहीं है अब मैं जरा आपके नून लीग का भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा वहां पर उनके अपने क्राइसिस अपनी जगह पर मौजूद है आपकी मरियम नवाज साहबा ने धाती डोर पे उन्होंने डिवाइड कर दिया उन्होंने कहा जी सारी धाती डोर जो आ रही है जिससे पतंगबाजी होती है सारी सूबा सरहद से आ रही है तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई उन्होंने उसको पंजाब पठान साइड पे कर दिया सूबा सरहद को नस, उसके बाद राणा सनाउला साहब ने कहा कि शुक्र है कि अभी मोहसन नकवी साहब सिर्फ वजी दाखला बने हैं अगर वो वजीर आजम बनना चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे उनके अंदर भी क्राइसिस चल रहे और देखें कि मुर्शद साहब भी आर्मी चीफ को ललकार रहे हैं राणा सनाउला साहब ने भी कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें एक्सपोज करें कि वी आर नॉट इन पावर सम बड़ी एल्स दंट्री और उसके बाद ये इंटरनल आपके इश्यूज चल रहे हैं एक्सटर्नल क्या है एक्सटर्नल कल हमारे राजनाथ साहब ने चैलेंज कर दिया आपको उन्होंने कहा जी के लुबे लुबा भी है कि वो कहते हैं कि हमारा जब दिल जाएगा हम घुस के मारेंगे ये सारा चीज शुरू हुई है गार्डियन के आर्टिकल से उसको काउंटर किया ख्वाजा आसफ साहब ने उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन के शौक में कोई ऐसा चीज, ऐसी चीज ना कर ले जिसको बाद में नुकसान हो या शर्मिंदगी हो जो मेरा इस पे जो मैं इसको एनालिसिस इस तरह करना चाहूंगा कि वाकई ही ख्वाजा साहब की एक बात तो ठीक है कि इलेक्शन है इसमें कोई शक नहीं है इलेक्शन में जज्बाती चीजें हो जाती हैं लेकिन घुस के मारेंगे नुकसान आपका अपना होगा इसका पाकिस्तान पाकिस्तान का क्या नुकसान होना है? क्या नुकसान होगा पाकिस्तान चीज है जो इस पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा किसी चीज का आप इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं 8.4 परसेंट आपकी ग्रोथ है और उसके बाद मैं आपको क्राइसिस बता देता हूं आपके क्राइसिस इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी का क्राइसिस क्या है इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीता है वोथ लेने से पहले ही चाइना जा चुका है उसके बाद मालदीव पहले ही चाइना के पास जा चुका है श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर वो बीजिंग में बैठा है नेपाल का प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा है भूटान में वो पैसे लगा रहे हैं क्राइसिस तो अगर देखा जाए तो अगर आप ये कहें कि व, वी, आ, वी 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 आर हैव अ मसल्स एंड कैन फ्लेक्स इट एनी टाइम और तीसरा एक और सबसे बड़ी बात ये है आपके वेस्टर्न एलाइज अमेरिका वो भी शरारतों में मसरूफ है एरक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गए आप जो एआरआई का इंटरव्यू है वो भूल गए जिसने रेड लाइन ड्रा कर दी और गार्डियन जो है वो पाकिस्तान का चैनल पाकिस्तान का न्यूज नहीं है चाहे जिस तरह भी लिखा है उसने उन्होंने चीजें कई एक्सपोज की है चीमा साहब उसके बाद आपके सेक्रेटरी ऑफिस ने जो आ, आ, काजी ने, आ, जाद काजी साहब साहब ने ने साइरस जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है उन्होंने भी अपनी चार शीट निकाली है तो ये सारी चीजें चीमा साहब जिस तरह मैं पाकिस्तान के हवाले से कहता हूं कि पड़ोसियों सबके साथ रिलेशनशिप खराब है इट मीन समथिंग रॉन्ग विद यू नॉट एवरीबडी, वही टोकन फिर दूसरी साइड में भी अगर देखा जाए तो हो सकता है फिर कि बांग्लादेश भी आपको कहता है बाइकाट करो का तो ये सारी चीजें हर जगह हर जगह कुछ ना कुछ आपके खिलाफ जा रहा है इन सर्कमस्टांसिस में आपने पाकिस्तान को जो दिया है इसमें नुकसान आपका होगा उसकी वजह क्या है देखे इस वक्त आ, आप आ, देखा जाए तो आपके पास एपल फोन आ रहा है आपके पास टेस्ला आ रही है आपके पास आप अपने जहाज क्या क्या बनाने के चक्कर में है इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है जो इस वो जहाज खरीद रही है इन सर्कमस्टांसिस में राजनाथ साहब की बात ली जाए एक मिसाल है तो फिर तरक्की किस तरह पास हो ये सारे भाग जाएंगे यहां से मेरा पर्सनल एज एज पोलिटिकल साइंस स्टूडेंट जहां पे झगड़ा होता है जहां पे बम फट रहे हो जहां घुस के मारने की बातें हो रही वहां से पैसा भाग जाता है इन्वेस्टर भाग जाते हैं पैसा वहां नहीं जाता और मैं खास कर एक चीज मैं मैं ये नहीं कह रहा कि इनको नहीं करना चाहिए करना तो इनकी मर्जी है इनकी मैं मैं तो नहीं कह रहा ना कि ठीक है अगर पाकिस्तान दिस इज अल्यूशन लेकिन uh, उसमें uh, मैं बताना इनका सबसे बड़ा उसने पिछले तीस साल की तरक्की सीक्रेट क्या था कि वो किसी एंगेज नहीं हुए तो, अगर आपने इस तरह कॉन्फ्लिका है एट पॉइंट फोर परसेंट को भूल जाए फिर ईलान मस्क जो है वो नहीं आएगा वहां वहां से एपल भी चला जाएगा और इस वक्त में सबसे बड़ी बात जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बड़े सीओ ने सीखी थी कि अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने चाइना में जब कोविड आया था तो मसला बन गया था पहले ही डिफिकल्टी है दुनिया वियतनाम जा रही है आपके और वियतनाम के कंपैरिजन के अंदर कई चीजें हैं पहले तो आप उन कमियों को दूरी कर दूर करने की कोशिश करें बजाय आप कहें कि पड़ोसियों को घुस के मारेंगे पड़ोसियों को घुस के मारेंगे तो ठीक है उनके पास तो है ही कुछ नहीं उनके पास क्या है उनके पास तो तो यही कुछ ही है तो उनका तीसरी चीज सात लाख फौज है उन्होंने घर जाके सो तो नहीं जाना ना वो भी तो आगे से कुछ ना कुछ करेंगे कैन यू अफोर्ड टू डू दैट लेकिन ठीक है उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दी है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी है टेट फॉर टैट चल रहा है आ... वो इसमें जिस इज आई वांट टू सी इंडिया करता हूं कि भारत की तरक्की मुझे मैं उस पे बड़ा खुश हूं पिछले अपने 600 साल के हॉलीकास्ट और अपने पिछली जितने फॉरन इन्वेडर्स और कलोनियलिज्म का सबसे बड़ा जो बदला ले रहे हैं अपनी तरक्की से ले रहे हैं मेरी नजर में तरक्की भी एक बहुत बड़ा इंतकाम होता है बहुत बड़ा इंतकाम होता है हाँ अगर फिर आप ये कहें कि आप इधर भी घुसके मार लेंगे आप उधर भी घुस के मार लेंगे फिर आप मारेंगे ही आप तरक्की नहीं करेंगे फिर आप तरक्की नहीं करेंगे इस पर इस पर गौर हु ऑलवेज से ट्रेड की बात की जाए तरक्की की बात की जाए तालीम की बात की जाए झगड़े की बात ना की जाए झगड़े की बात से तरक्की भी रुक जाती है लोग फिर पैसा भाग जाता है अमन सुकून भाग जाता है तो फिर वो चीजें जो इस वक्त एक सिलसिला शुरू हो चुका है कि आपके टेक्नोक्रेट जो इंडियन वापस आ रहे हैं वो वापस नहीं जाएंगे फिर वो फिर यहां से मजीद और लोग लोग बाहर जाएंगे पैसे वाले बल्कि यहां से भी भागेंगे बाहर तो ये कल एक तो बड़ा एक अजीब सा हुआ है सारा इसको मैं खैर इलेक्शन में ही नहीं कर सकता क्योंकि राजनाथ साहब इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन कई एडवाइजर होंगे उनके अल्टीमेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ तो तकबीयत होगी लेकिन चीमा साहब गल गार्डियन का थोड़ा सा और सजाद काजी साहब ने, ने जिस तरह नाम लेके बताया शाहिद लतीफ साहब का योगेश कुमार का किस तरीके से मोहम्मद उमैर को हायर किया गया किस तरीके से एक और उन्होंने अशोक कुमार आनंद का नाम लिया इन्होंने हायर किया इन्होंने दाइश के अकाउंट बनाए फिर एक खातून जो जिस जिन्होंने सिख को मारा एक सिख को मारा गया लाहौर में किस तरीके से खातून ने जर्नलिस्ट बनकर उनसे रहा किया, किया फिर किस तरीके से एक जो पकड़ा गया था केरला का लड़का इन अफगानिस्तान वर्किंग फॉर आइसिस और तालिबान ने वो जो किस तरीके से उसको इंडिया के हवाले किया और इंडिया ने फिर किस तरीके से उसको डबल एजेंट बनाया और किस तरीके से उसने एक तालिबान को हायर किया जिसने आके कि वो सिख को मारा तो ये सारी चीजें मजाक में नहीं सारे कर रहे लोग ultimately, इसके साथ प्रूफ मौजूद हैं फिर उन्होंने खास कर एक और बात यहां मैं कहना चाहूंगा, कि किसी इनकी एजेंसियों के बंदों ने confession भी की है गार्डियन ने कोट किया है कि हाउ यू कम कंक्लूजन टू टू बिहेव लाइक दिस और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने वी आर इंप्रेस बाई मुसाद कि किस तरीके से मुसाद जाके दूसरे कंट्रीज के अंदर जाके इस तरह करती है

गवर्नमेंट ने भी उसका किया कि और इसमें कई गलतियां हुई हैं उनके साथ भी टू एक्सपोज लेकिन आ, आ, मुसलसल डिस्कस किया जा रहा है। आज भी बड़े आर्टिकल छपे हैं फॉरन पॉलिसी मैगजीन में मोदी साहब के हवाले से डॉक्टर जयशंकर के साहब के हवाले से और मुसलसल डॉक्टर जयशंकर साहब मोदी साहब की दस साल की परफॉर्मेंस को बताते हैं मैं खुद बड़ा वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसर्स लेकिन ये इस वक्त जो चीजें कर रहे हैं मेरा ख्याल है इन पे जरा इनको एहतियात की जरूरत है वरना यहां से अगर इसी तरीके पे पुश करेंगे तो थिंग्स विल गो डाउन है अकानमी के हवाले से वरना तो फिर वो पॉलिटिकल तो उनका अपोनेंट ही कोई नहीं है वहां पे कल कांग्रेस ने अपना नए पत्र निकाला है जिसको मैंने बड़े तफसील से पढ़ा है जो मुझे चीजें उसमें अटैम्प्ट की हैं जो मेरे लिए थी के उसमें सेम से मैरिज की बात उन्होंने की है कांग्रेस को यहां पे किया है के हवाले से उन्होंने चाइना नेपाल भूटान और मालदीव का नाम लिया है फौजी अपने बॉर्डर मिलिट्री चीजों को चेंज करेंगे पाकिस्तान का नाम उन्होंने लिया अग्निपथ स्कीम को वो खत्म करेंगे तीन मिलियन नौकरियां डालेंगे और उसके बाद दिहाड़ी इस वक्त जो के जो मजदूर की बहुत कम है उसको चार सौ रुपए पे करेंगे एमएसपी के बारे में उन्होंने बात की फिर उन्होंने एक लाख ब्रिटिशशिप प्रोग्राम आ, एक लाख तरह की उन्होंने बात की जो पच्चीस साल के लड़ बच्चों के लिए फिर उन्होंने कहा कि हम अपने कास्ट सिस्टम जो है वो नब्बे साल पुराना है उसको सोशल आ, प्लानिंग के लिए सोशल प्रोग्राम्स के लिए नए पत्र नया पत्र जो नए पत्र के बारे में जो तो अभी अब बीजेपी का अपना जो है मैनिफेस्टो वो भी आने वाला है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो तक का और इस वक्त प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि तीस पैंतीस सीटें लेगी कांग्रेस में तो हैरान वो पता नहीं किस तरह ले लेंगे लेकिन अब मैं आगे आपको कंपैरिजन करना चाहता हूं कि इस दौर के अंदर भी जो आपके ये फॉरन एजुकेटेड जितने सेक्रेटरीज हैं उनको खिताब करके मैं बताना चाहता हूं कि खुदारा दो लोगों को प्लीज स्टडी करें एक तो आ, मिले मिले और दूसरा जो लोग है नैब अलवाडोर के नए प्राइम मिनिस्टर यंग जो को पैलेस्टीड है नैव बेकले, नैव बेकले उनका नाम है उन्होंने अलसलवाडोर के अंदर क्रैकडाउन करके क्राइम को कंट्रोल कर लिया है ड्रग्स को कंट्रोल कर लिया है विद डेडिकेशन अब मैं जो मिले मिलेमिक्स के बारे में खास कर वो तो एक ऐसी ट्रू स्टोरी है चीमा साहब मैं चाहूंगा कि खुदा रहा ये ये पाकिस्तानी सियासी तो खैर रखते नहीं सलाहियत कुछ जो भी साहिब इकतदार हैं वो मिले एक मिले नामिक्स के बारे में उसको पढ़े उन्होंने डिलीवर क्या किया है उन्होंने डिलीवर ये किया था चीमा साहब उन्होंने इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन में अपना मैंडेट दिया था कि तीन सौ तीन लाख इकतालीस हजार मुलाजिम है इस वक्त सरकारी वहां और ज्यादातर सियासी भर्ती जिस तरह आपके सियासी भरती है। और वो करते कुछ नहीं थे बिल्कुल भी तो उनमें से उन्होंने आते ही चीमा साहब पहले दिन उन्होंने मार्च में नौ हजार लोगों को निकाला और कल उन्होंने पंद्रह हजार लोग और निकाल दिए टारगेट कितना है सत्तर हजार लोग उन्होंने निकाल देने इस से। इस उनके हो रहा है। यूनियन, जितने यूनियन है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है लेकिन ही मैंने मैं फटे चौक करना बचाना है अब उसमें जो मैं उसको खास कर तो वो उन्होंने बल्कि वो जिटीना के कल्चर में उन्होंने इनका नाम रखा है नोके नोके इनको कहते हैं पास्ता होता है नोके जो ट्वेंटी नाइन्थ को खाया जाता है फॉर गुड लक तो ट्वेंटी पे डे होता है तो उन्होंने कहा ये नोके मुलाजमीन है नोके मुलाजमीन से मतलब ये है कि सिर्फ उनतीस को आते हैं तनख्वाह लेके घर चले जाते काम नहीं करते वो उन्होंने किस तरह चेक किया उन्होंने जब सर्वे किया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर किन मुमालिक के अंदर लार्जर गवर्नमेंट्स है लार्जर गवर्नमेंट जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, उनमें स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क लेकिन ये कंट्रीज क्या करते हैं अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को भी चेक करते हैं कि ये जो सरकारी लोग हैं इनकी परफॉर्मेंस का रेट क्या है ये कितने इनकी क्या परफॉर्मेंस है उसमें अर्जेंटीना के जो लोग थे वो 41.9 परसेंट उनकी परफॉर्मेंस थी दिस इज हाउ ही हैज टोल्ड द नेशन के दे आर नॉन वर्किंग पीपल आर नोके पीपल वो हैव टू गेट रेड ऑफ हम सत्तर हजार लोग निकालेंगे आप ये जरूरत कर सकते हैं आप अगर कोई दलेर आदमी होता हालांकि सर्विंग एयर मार्शल ने पी आई ए को चलाया दिलेरी करता तो निकाल देता तो आपकी पी आई ए ने सर्वाइव कर जाना था वो तो नेशनलिस्ट माँ का बच्चा पैदा होता है इस कंट्री के अंदर तो वो बचा लेता पी आई ए को वो रेलवे को बचा लेता स्टील मिल को बचा लेता अब आपने जो बाहर अब मैं इसके बाद यह भी चाहता हूं मिले कि इकोनॉमिक्स तो आप खैर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपका इस वक्त प्लान क्या है मैं, मैंने, मैंने भी सर्वे किया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्लान क्या है के इकोनॉमिक प्लान क्या है बुरशद पाक ने कहा था कि मैं बाहर से स्विट्जरलैंड की करप्शन के पैसे लाऊंगा दूध की नहरें चल जाएंगे उनका इकोनॉमिक्स प्लान ये था वो नहीं चला तो फिर दूसरा प्लान उन्होंने दिया था उन्होंने कहा ओवरसीज लोग आएंगे वो पैसा लेकर ये दूसरा प्लान तीसरा प्लान आईएमएफ हमेशा आपके पास रहा है करप्शन को रोकने के लिए आपके गंडापुर साहब ने कहा है कि पाकिस्तानी जहां भी जाए अपने पास थैले में एक ईट रखे लेगा जो पैसा मांगता जाए उसके सर पर ईट मारे ये दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल द करप्शन अंदाजा लगाया <laughs> पाकिस्तान का नया नाम मैंने रख दिया चटस्तान हर डिपार्टमेंट हर चटस्तान मा साहब हर अदालत के अंदर चटे बैठे हैं हर डिपार्टमेंट को चे रहे हैं लेकर। पता नहीं क्या छे, छे, कोर्ट एक चटा जो अगले दिन हाई कोर्ट का अगले दिन हो गया उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को लेटर लिख दिया उसकी देखें फुर्ती देखें। केसेस की है उसने तुम सलाहियत रखते हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की

उसमें जो बयान बयान आया है डा, के ऊपर जो जो मीडिया प्रेस उसमें कहा तिजारत सरमायाकारी बामी दिलचस्पी दो तरफा तावन अलाक, अलाकाई अहमियत दोनों ममालिक के अवाम की शराकत दारी अवाम की सलामती नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया बड़ा, अब बड़ा मस... है।, है, है। है। तिजारत पाकिस्तान क्या कर सकता है किसी के साथ ਨਾ ਕੁ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਲ ਸਰਮਾਇਆ ਕਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਆਪ ਕਰੇ ਬਾਂਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਹੈ ਮੇਂ ਜੇ ਪਤਾ ਬਾਂਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 22% ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਹੈ ਐਂਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਰੀਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਆਮਿਅਤ अच्छा अवाम की शराखत दारी किस चीज में अवाम की यहां, अमेरिकन की, पाकिस्तान की अवाम के साथ क्या हो सकती है किस चीज में और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया मैं हैरान हूं चीमा साहब दो चीजें हैं मैंने आपको एक बात बताई थी दो चीजें जू जू बढ़ेंगी आपको आपके पास डालरों की बारिशें शुरू हो जाएगी वो दो चीजें क्या है चाइना का उस रीजन के अंदर मसल फ्लैक्स करना आपको काले आनी शुरू हो ताइवान के हालात खराब होते आपको काले आने शुरू हो जाएंगे आप असला जो भेज रहे हैं यूक्रेन में जो पुराने टैंक है रशियन उनके मॉडल के वो अगर आप तक वो बम भेजते रहे आप वाह एंड से बना के आपको काले रहेंगे यही सिर्फ इंटरेस्ट है और कोई इंटरेस्ट और दूसरा ये है दूसरा इंटरेस्ट ये हो सकता है साडे पर तालिबान ने वो थोड़े मसल फ्लैक्स कर रहे हैं वो भी अपने हर दूसरे जितने उनके नेबर कंट्रीज हैं वो सब में पोकिंग कर रहे हैं जितना वो करते जाएंगे गोरे डरते जाएंगे ईरान मसल फ्लैक्स करेगा आपको कालने आती जाएंगी उसकी वजह ये ना कि और इसकी कोई वजह नहीं है आप समझे कि आपकी को बाध रही है ना ना आपको कुछ कर रहे हैं आप कुछ देने की सलाहियत रखते हैं नहीं आप तो कहते हैं कि आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या दोगे इस पॉलिसी इस फॉरन पॉलिसी पे तो फिर क्या होता है फिर मैंने बताया चाइना मसल फ्लैक्स करेगा आपके रिलेशन इंडिया जिस तरीके से इस वक्त रिलेशनशिप है जिस तरह जयशंकर साहब फॉरन भाग के रशिया चले जाते हैं और जाके मैसेज देते हैं कि इफ यू हैव हैव ऑप्शन ऑप्शन ऑफ ऑफ पाकिस्तान रशिया तो फिर आपको आना शुरू हो जाएंगे तो ये ये दिस इज वॉट इट इज अदरवाइज कोई नहीं वरना इस वक्त चिमा साहब दोनों चीजें जो बाइडन टोनी बिल्कन के काल की अहमियत नाना जीरो क्यों दोनों के पास अपने कंट्री के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ गिने चुने दिन इनके रह चुके हैं गिने चुने दिन इनके रह चुके हैं कौम बेजार है कंट्री डिवाइडेड है आधा कंट्री इस वक्त कांगो बन चुका है पुलिस नजर नहीं आती इस वक्त एक लाख सतासी हजार इलीगल बंदों ने न्यूयॉर्क को घेरा डाल रखा है चीमा साहब मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि कंट्रीज अपने शहरियों को ट्रेवल एडवाइजरी दे रहा है कि अमेरिका ना जाए और अगर जाए तो न्यूयॉर्क ना जाए ट्रेवल एडवाइजरी टू टू लोग मुसलसल अपने सिटीजन सिटीजनशिप छोड़ के अमेरिका की अमेरिकन अवे फ्रॉम अमेरिकन ड्रीम अमेरिकन ड्रीम आप गोवर कर करके देखें कि देखेंगे अमेरिकन ड्रीम तो इस वक्त अमेरिकन भाग रहे हैं टैक्सेज से बच रहे हैं टैक्सेज की रेट इन्होंने हाई कर दिया मैं एक बात की मुझे समझ नहीं आई अगले दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूयॉर्क के अंदर आज से दस साल पहले एक माल बनी है एक बिलियन डॉलर की उन्होंने पिछले महीने ताले लगा दिए मैंने उस पर ट्वीट भी किया था इस वक्त यहां पे डेमोक्रेट पार्टी कहती है कि वो विल टैक्स डेथ हम टैक्स बढ़ा देंगे किस पे टैक्स बढ़ाए जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो टैक्स कौन देगा आपका किसके पैसे पर टैक्स लगाएंगे लोग तो बाहर पहले भी रवाज यह है कि अमेरिकन जो बिजनेस सक्सेसफुल है आप कंपनीज में पैसे रखते हैं तो जब माल बंद हो जाएंगे कारोबार खत्म हो जाएगा किसको टैक्स दोगे किसके टैक्स से सारा कुछ लेके ये सोशल चीज कल आपको मैंने एक और ट्वीट बल्कि किया था हर जो जो इस वक्त प्रिजनर जेल छोड़ता है उसको छब्बीस डॉलर महीने के पैसे देने शुरू कर दिया स्कॉलरशिप ये क्राइम ना करे लोगों को रिश्वत देकर कहते हैं यार ये, अगर ये इनको पैसे दो ये क्राइम ना करे हाउ लॉन्ग यू कैन है ये पार्टी कितना अरसा चलेगी आजकल आपको पता है अमेरिका कुछ भी नहीं कर रहा डॉलर प्रिंट करने के दूसरा सबसे बड़ा खतरा आ रहा है चीमा साहब बार बार स्टे, ले लिया मैं अमेरिकन्स को मुसलसल वार करता हूं कि तुम्हारे बच्चे बीजिंग में जाके डोर डैश करेंगे पढ़ना छोड़ दिया है Uh, इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त डीसी रन रन, इंडियंस, तो भारतीय लोग हैं, दे आर यूजिंग देयर ब्रेन टू लोकल तो पी से गांजा गांजा हैं। ओबामा ड्रीम ये था वो कहता था यार 400 साल बड़ी मेहनत किया तो तो कितना आरसा करेगी पार्टी बिल्कुल सही कह रहे हैं टाटर साहब ये सिचुएशन तो है हमारे सामने कि पार्टी टाइम चल रहा है और तीन चार गुना तनहएँ जो बोनस दे के चले गए हैं वज़ी अज़म साहब ईद पे वो भी बड़ा डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कि वज़र अजम एक गरीब मुल्क के जो है उसको क्यों इतनी इतना बोनस दे के गए हैं क्या ज़रूरत थी इन्होंने हमारे लोगों ने किया क्या है डाटर साहब ये बात भी अपनी जगह मौजूद है मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी चली गई हैं अपने चाचू के साथ उम्रे साहब एक और बात है बारे वो कह रहे हैं शबाश शरीफ साहब जो है ना वो कमर्शियल जहाज पे गए हैं वो स्पेशल जहाज पे नहीं गए तो इस इस इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए आप क्या समझते हैं कि उन्होंने एक आम जहाज़ लिया है उसकी एक टिकट ली और चले गए हैं इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है ना हो सकता है पूरा जहाज ही उन्होंने अगर ले लिया और सारी टिकटे छोटे जहाज में बंदे क्योंकि लोग सुना है इतने लेकर गए छोटे जहाज में तो आने ही नहीं थे वो अगर 300 बंदों का डेलीगेशन लेकर गए हैं रिश्तेदारों का जिस तरह पहले दस्तूर है पाकिस्तान का तीन तीन सौ बंदा लेके कर जाना कहना आओ जी, जी सरकारी जहाज जा रहा है उम्र का होना पता नहीं उमरा चिमा सर मुझे मैं रिलीजर पाकिस्तान जैसे बैंक कंट्री के पैसे के ऊपर उम्र कबूल हो सकता है आपका hmm. मैं तौर तो पर यहां अमेरिका से मैं इस्लाम practicing, practicing के बारे में उमरा करने जाता हूँ कोशिश करता हूं क्रेडिट कार्ड भी यूज ना करूं कैश पे टिकट तो सरकारी आपका सरकारी, सरकारी तो है ही नहीं है ना पाकिस्तान सरकारी आप, की तो कोई नहीं है आई के पैसे से चल रहा है वो उस पैसे से लोगों का इस तरह जो, जो कौम है इनके पैसों से उमरा करना आपका क्या ख्याल है जायद, मेरे ख्याल में है। तो है कबूलियत तो बहुत दूर की बात है कबूलियत तो बहुत दूर की बात है इसकी तो कुछ सजा होनी चाहिए मेरे ख्याल में होगी लाजमी लाजमी होगी खुद इंसान तो नहीं दे सकता खुदा तो देता होगा वन लास्ट कमेंट आपसे लेना है और वो ये है कि अमेरिका इस हाई अलर्ट पे है इस वक्त क्योंकि ईरान ने जो है वो थ्रेटन किया है

अब उसमें चलते हैं नेटो में क्या है? नेटो अफगानिस्तान सबसे बड़ा मेडल है।, अफ, है अगले दिन जाके उन्होंने यूक्रेन के फॉरन मिनिस्टर के सामने खड़े होकर स्टेटमेंट दे दी है कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप दी जाए और उसके आर्टिकल आर्टिकल फाइव जो है उसका बड़ा डेंजरस आर्टिकल उसमें रशिया किस तरह बिहेव करेगा चीमा साहब इस वक्त जो दो कंट्रीज मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका किसी तरीके से जंग के अंदर आए फंसे अमेरिका। तो दो कंट्री कौन है एक यूक्रेन है दूसरा इसराइल मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन फंसे और इसमें ये ब्लीड करें मजीद और मेरे ख्याल में और ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर पा रही बिल्कुल ही फेल है ये बाइडन तो खैर नहीं है बाइडन तो कंट्री चला ही नहीं रहे ओबामा साहब चला रहे हैं लेकिन ओबामा साहब किस तरह चला रहे हैं इनको पुटन ने और प्रेसिडेंट शी ने बड़े अरसे इनको स्टडी कर लिया था वेरी प्रोडिक्टेबल हम अक्सर जो यहां पर हम ये कहते हैं कि अपोलोजेटिक गवर्नमेंट थी जिधर जाते थे अपनी तकरीर अपोलोजी अपोलोजी से शुरू करते थे ही इज नॉट लीडर टू स्पेशली ऑफ सुपर पावर अगर वो अपने आप को कीनिया का लीडर समझते हो तो मैं उस पर एग्री कर लूंगा लेकिन ही हैव एनी एबिलिटी टू रन द सुपर पावर लाइक अमेरिका अब उसमें ईरान जितना जितना ईरान ने तरक्की ओबामा दौर में की है जितना उनका इंफ्लुएंस इस वक्त इराक और सीरिया के अंदर है वो सारा का सारा ओबामा साहब ने उनको बना के दिया है सारा कुछ फिर कैश दी है जो उनकी मर्जी की थी कंटेनर्स में दी उन्होंने उनको ताकत उनको ताकत ये तो मैं समझता हूं कि ठीक है ईरान को स्ट्रांग करते रहे हैं सऊदी अरेबिया को डराने के लिए हथियार बेचने के लिए ठीक है लेकिन अब ये जो हो रहा है हालात इसमें खुद अब अमेरिका अब क्या करेगा अमेरिका इस वक्त असला भी दे रहा है पैसे भी दे रहा है उनकी मिन्नतें भी कर रहा है कि जल्दी निकलो वहां से इनको जितने मारने हैं मार लो निकलो वहां से वापस वो नहीं निकल रहे कल मैं बल्कि इस पे मजीद एक आपको बात बताऊंगा कल परसों मीटिंग यहाँ पे आ, सी एन एर पे खबर आई थी इसराइल के मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग आए थे यहाँ पे इनको उन्होंने प्लान दिया कि हम सारे लोग रफा से जितने फलस्तीनी उनको निकाल के ले जाएंगे कहीं और

To be और एक बात आपको उनका, उनके ड्रोन टेक्नोलॉजी इस, वे, उन इस वक्त वो रशिया को सप्लाई कर रहे हैं और उसने को कर है, उस ड्रोन ने। अभी भी जो वो ड्रोन सुना है ड्रोन अटैक कर रहे हैं अटैक किया है बल्कि उन्होंने खबरें इस वक्त आ नहीं रही है लेकिन ईरान इज रिटेलिएटिंग दे आर कंटिन्यूसली फायरिंग बात आपके बिल्कुल ठीक है अमेरिकन मीडिया बिल्कुल उसको डाउन डाउन प्ले नहीं कर रहा बल्कि उसको उसकी खबर ही नहीं निकाल रहा इस चीज को और यही इनकी का, इनकी कामयाबी का सीक्रेट भी यही है कि सी और यहां पे जो जर्नलिज्म खत्म हो चुका है मीडिया एंटरप्राइज उनका अपना इंटरेस्ट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है दिस इज हाउ दे आर मनी इट आ, यही चीजें स्नोडन ने भी की थी एक्सपोज तो ये सारा कुछ इनका गिर रहा था ओबामा की उन्होंने बातें की थी

जब आप किसी को चोक कर ले इतना तो अल्टीमेटली उसका रिटेलिएशन तो होंगे और सबसे बड़ी बात यह है मैंने सुलेमानी जनरल सुलेमानी के बारे में पढ़ा था ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी ब्राक्सीज और वो सारी की सारी सुलेमानी ने बनाई थी इस वक्त सीरिया के अंदर वो एक लाख से ज्यादा उनके अपने स्ट्रेंथ है सीरिया के अंदर ईरानियों की इराक के अंदर भी यही हालत है आपके जो पच्चीस सौ बच्चे लौडे लपाड़े बैठे हैं अमेरिकन जो यूनिफॉर्म के अंदर उन्होंने बड़े देर का उनके चुप बच्चे ला जाओ अपने

जी जी दी दी। मैं एक बात छोटी सी करूं कि प्रॉक्सीज़ जो है ये ऐसी प्रॉक्सीज़ तो छेल, छेल तो लड़ लड़ मार चले हैं ईरानी जो ईरान एवर ये उनकी ये उनकी माने वो देखे सारे प्रॉक्सीज बनाते हैं इसमें नहीं आना चाहिए सब ममालिकमेरिकन भी बनाते हैं ने बनाई है

या मानी है इंडिया के लिहाज से उन्होंने कहा जो गुप्ता साहब थे जो पन्नू के कत्ल में सारी उन्होंने मतलब बनाया जाल बनाया उन्होंने मान लिया है इसमें इंडिया बल्कि वगैरह तक इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया बहुत बड़ी शॉकिंग ये स्टेटमेंट दे दी ताडर साहब ने मुझे नहीं लगता इंडिया ने ऐसे कोई एक्सेप्टेंस की है खुद मान जाए गुप्ता साहब मान गए साहब की बातें हमने हाँ जो तो इतना यार वाकई दोस्तों नीचे कमेंट में होता ना तो जो गुप्ता साहब थे उन्होंने वाकई चीज़ कन्फेस किया है कि मैं वाकई पन्नू को मारने के लिए आया था मैंने जाल बिछाया था या इंडियन ऑफिशियल ने या किसी ने गवर्नमेंट ने मैंने भी ये न्यूज नहीं सुनी अगर ये है तो शौकिंग इमरान खान साहब के बारे में बोल लेता लेकिन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इंडिया के बारे में किस कंट्री के बारे में वो बात कर रहे कि के बारे में इंडिया के इमेज पर बड़े बुरे असर हाथ जाएंगे बड़े सवाल हाथ उठे गए इस पे तो लगता नहीं क्या है साहब ने तो तो जो बात कर दी वो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट मैं यार सही है मैंने कहा अगर दोस्तों आपको पता है मुझे इसका इलम नहीं है इस पर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दे रहा मैंने ये बेपल मैं तो ताहिर साहब के मुंह से सुना है कि वो चीज़ें ये मान रहे हैं कि इसमें इंडिया मुलवस है इंडिया गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ मानी है अनबिलीवेबल स्टेटमेंट मुझे तो नज़र सुनाई दे रही है बात वैसे ही है अच्छा वही बात आ गई मैं एक से बात करता हूँ ताड साहब कोई वीडियो खान साहब के खिलाफ जहर उगलने के खिलाफ वार कुछ नहीं है के बगैर कोई वीडियो कि नहीं होती अच्छा इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी ना कर, कह रहे दे रहे हैं हाँ उनको सारी सहूलतें दे रहे हैं उनको उधर बनी गाला जैसा वो कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ मतलब तो आर्मी चीफ को वो उकसा रहे हैं डायरेक्ट नाम लेकर ताड साहब की बात कर रहा हूँ इमरान खान ने भी नाम लिया है इमरान ख़ान हालांकि मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता पढ़ती तौर पर सच में कह रहा हूँ आप एक सिटिंग प्राइम आर्मी चीफ के बारे में इससे ठीक है आपके अंदरूनी जो भी तलखियाँ हैं आपके अंदरूनी जो भी मामला कुड़बुड़ हैं खराब हैं आप डायरेक्ट नाम ना लें क्यों इससे ये सिर्फ नहीं कि आप इससे पाकिस्तान का इमेज भी खराब हो रहा है पहले तो बड़ा पाकिस्तान का इमेज झंडे पे चढ़ा हुआ है तो मुझे आप जो ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई नाम ना लें

तो ये ऐसी बातें आप निकली भी तो इसका क्या होगा पहले से ही है तो चलने दें ऐसे ही ये ये तो और भी, 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 भी आपकी भी 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 बता रहे हैं कि हो क्या रहा है, रहा है आपके मुलक में हो कह रहे हैं खान साहब को थोड़ा सा मतलब कहने का मकसद यही था कि सख्ती करो आर्मी चीफ को जो साहब सख्ती करो ये क्यों बोल रहे हैं आपके खिलाफ मैं तो कहता हूँ कि तारद साहब में भी सख्ती करनी चाहिए जैसे ये तो उसका जैसे ये ऊट सी बातें कर देते हैं पहले गंजा और इमरान खान के बारे में भी ऐसा वो कह रहे हैं कि इनको बनी गाला में वो ऐसे जाके बिठा दो जैसे ये अगर जेल में भी बैठा तो बनी गाला जैसा माहौल उनको दिया हुआ है स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अच्छा बात बड़े एक और पते की उसने उनकी उन्होंने कहा इंडिया एक बहुत अच्छा कार्ड खेला है वो कार्ड ये है यू ए को इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया कश्मीर के अंदर और यू ए ने इन्वेस्टमेंट करनी है की भी है और मजीद भी करेगा तो ये कार्ड बड़ा अच्छा आप उनसे भीख लेते हैं मतलब उस यू ए से आप भीख लेते हैं लेकिन इंडिया उनसे क्या करता है ट्रेड और, और काम करता है दूसरे के साथ लेन देन भी करता है और दूसरा प्रोजेक्ट्स भी लगता है और आपका आप जो मुद्दा है ना कश्मीर वाला वो मुदफन हो रहा है हो चुका है मतलब यार आप बात करते हैं बच्चों वाले इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है कुछ देख के कर रहा है ये सऊदी शेख हो या यूएई के शेख हो या फिर कतर वाले भाई ये अपना फ्यूचर देखते हैं कि कहां पे इनको बेनिफिट है वो बेनिफिट ना देख रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट वहां पर करेंगे उधर में कश्मीर में या इंडिया में करेंगे तो उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है

जो वजी अजम है या कोई भी स्टेट का है उसका दूसरी कंट्री का फोन नहीं उठा रही वो बात उन्होंने की है सऊदी अरब और फोन कर भी पता यारो दूसरे ममालिक जो लोग हैं जो पी एम्स हैं या दूसरे ममालिक जो हुरान है यकीन जाने हमारे मुल्क के पी एम को ऐसे समझते हैं जैसे किसी स्कूल का गुजरा ऐसे ऐसे ही समझते समझते जिसकी भाई अपने घर इज्जत ना उसकी बाहर पे है।, करते है, इसमें कोई नहीं है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये, ये। है।, है। सदर है सारे दिए अच्छा फिर हमारा मुल्क ऊपर से गरीब है पैसे है कोई नहीं हंड्रेड परसेंट मरात दे रहे हैं हमारे ब्यूरोट को बल्कि आज मैं एक मरियम नवाज का नहीं सुना आज ही मैं, तीन मैं करोड़ मेरे ख्याल में उन्होंने लगा दिया किसी जगह पे सेटिंग वेटिंग पे उन्होंने लगा दिया तीन करोड़ कमिश्नर गरीब मुल्क की आम का जो तीन करोड़ है ना वो उन्होंने लगा दिया भाई गाड़ी पे गाड़ी पे लगाया है वो बल्कि आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो पाकिस्तान के है ना सैनेट के जितने सैनटर हैं या पार्लियामेंट के जितने बंदे हैं उन्होंने बत लिखा है गवर्नमेंट को कि आप हमारी मरात हमारे वजीफे बढ़ाएं हमारा इन वजीफ गुजारा नहीं हो रहा उनका गुजारा नहीं हो रहा तो बेड़ा गर्भ हो इस आवाम का उनका कैसे गुजारा हो रहा है इनके बारे में कभी नहीं सोचा यकीन जाने दिल से कह रहा हूँ कि इंडिया लाख दर्जे बेहतर है पाकिस्तान से लाख दर्जे बेहतर है यार क्या इसमें बोल रहे बोलना नहीं यहाँ पे रोना बाकी कि कुछ बोलने वाली बात नहीं साहब ने एक और अच्छी बात की मुझे बातें काफी भारत ने इंतकाम लिया है दुनिया से पाकिस्तान से किस तरह तरक्की करके वो कहते ऐसा इंतकाम ही वो होता है कि आप तरक्की करें आप कुछ बंद दिखा कर दिखाएं आपने पाँव पर खड़े होकर दिखाए और इंडिया कर दिखाया आज दुनिया वही दुनिया आपको याद होगा पीएम मोदी साहब का रिजेक्ट हो गया था वीज़ा यूएसए का शायद आपके जहन में कोई तरह का ख्याल ये सच है वो आता पता है आज वही यूएसए उस यूएसए का बाइडन और क्या नाम है ट्रंप पीएम मोदी को अपनी चेयर से उठ कर आगे जब फिर डालते हैं टेस्ला का जो मालिक है उसको मेरे ख्याल में अलाउंट किया नाम है टेस्ला या टेक्सला जो टेस्ला उसका जो मालिक है उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में बोला गया पुरानी बात है भाई उसने उसने कोई कोई कह लेंगे दिस्कार्स दिस्कार्स पकड़ा ना उसने ऐसी स्टेटमेंट दी या बयान दिया लेकिन बाद में आज जब इंडिया पे अरूज आया ना तो उसने खुद कहा कि मैं भारत में आके इन्वेस्टमेंट करूंगा और मेरे ख्याल में अब बन भी रही है टेस्ला की गाड़ी वाकई में इंडिया ने इंतकाम लिया करके और हम इंतकाम ले रहे हैं टैरिस्ट पदा करके हमारा इंतकाम ऐसा इंतकाम है जो हमारी आने वाली मसलों क्या हमारे जड़ों को भी काट देगा काट चुका कुछ एक आध जड़ बची है आपको लगता नहीं है कि हमारे जो हुक्मरान है हमारा जो सरदारी साहब है सदर वो गरीब है लगता है आपको अरबों खरबों का अरबों खरबों का माल है फिर वो क्यों ये अपना जो तो, टोकरा सा उठा के अपना जो मांगने वाला है डब्बा उठा के वो पूरी दुनिया के सामने मांग रहा है वजीर आजम आपका गरीब है बहुत अमीर है सिर्फ वो नाटक कर रहे हैं पैसे लेने के लिए कि हम अपने और जो है जो इनके पास पैसा है उसमें और इजाफा करें इस गरीब अवाम की कह लें कि मजाक उड़ा के या इनको आगे इनके असल में ये पाकिस्तानी अवाम के गे पेरा के चला रहे हैं इसको कर... तो बीच में लाभ है well तरक्की से इंतकाम लिया है और हमें भी चाहिए हमें भी तरक्की से इंतकाम है तरक्की करके यार सलूट सलूट है असल इंतकाम यही है मिलते हैं नई वीडियो में नाड़ साहब तब तो तक तो दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़